शिवपुरी जिले के खनियादाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाले ग्राम गुडर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। गैस कटर से ताले तोड़े, फिर तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश असफल रहे। वहीं गैस कटर और अन्य सामान छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार खनियादाना थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने खनियादाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुडर की पंजाब नेशनल शाखा में धावा बोल दिया। आसपास के घरों में पहले चोरों ने बाहर से कुंडी लगाई, इसके बाद चोरों ने गैस कटर से बैंक के ताले काटे, उसके बाद अंदर तिजोरी को भी गैस कटर से काटने का प्रयास किया, लेकिन इसमें चोर असफल रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये पीएनबी बैंक में आज ताले टूटे हैं, क्या घटना घटी? देखिए, वैसे तो मैं कोई इस बारे में जानकारी देने का कोई सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि सुबह जानकारी मिली ग्रामवासियों की तरफ से कि आपके ब्रांच के ताले टूटे हुए हैं, तो हमने आगे यहाँ पे मौके पे जो शिनाख्त की है, ताले टूटे मिले, उसके बाद हमने थाने में सूचना दर्ज कराई है, उसके बाद आगे जो पुलिस टीम है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। कोई नुकसान वैसे नहीं है, फाइनेंशियल लॉस नहीं है। आपको कब सूचना मिली? सुबह का तकरीबन 7:15 के आसपास। किसके द्वारा दी गई? ग्रामवासी जो गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से फोन आया मेरे पास, 2-3 लोगों की तरफ से, उसके बाद ये जानकारी मुझे मिली। आज बैंक का काम सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अच्छा। तो इसमें जो क्योंकि सारे जो नेट के कनेक्शन वगैरह हैं वो सारे काट दिए गए थे उन लोगों के द्वारा, तो आज कार्रवाई तो बाधित रहेगी। हमने अपनी टीम को सूचित कर दिया है, जैसे भी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी उसके बाद बैंक का कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। सीसीटीवी वगैरह नहीं थे क्या? सीसीटीवी सारी चीजें हैं, एज इट इज सारी चीजें अपनी जगह सुचारू रूप से संचालित थी। अब लेकिन जो लोग आए हैं उनके द्वारा सारी चीजें तारों के कनेक्शन वगैरह काट दिए गए, तो अब सारी जानकारी तभी क्लियर हो पाएगी जब पुलिस अपनी टीम में जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके बाद जो पता चलेगा। सुबह जो है कोई बैंक के कर्मचारी यहाँ थाने पर आए थे, उन्होंने बताया कि गुडर में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी एक शाखा है, उसके ताले टूट गए हैं, उन्होंने अंदर जा करके नहीं देखा था। फिर मैं यहाँ से तत्काल अपने फोर्स के साथ रवाना होकर के गया, तो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर गैस कटर छोड़ करके जो भी चोर आए थे उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल किया है, उन्होंने सारे ताले गैस कटर से तोड़े हैं, आसपास के जो घर थे उनकी कुंडियाँ बाहर से ही लगा दी थी, और फिर उन्होंने तसल्ली से गैस कटर से जो है सारे ताले तोड़े, और जो उनकी मेन सेफ है जिसमें पैसा रखते हैं उसको भी उन्होंने काटने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और सारा सामान अपना वो वहीं छोड़ करके चले गए। अभी सर बैंक में अलार्म नहीं लगा था? हाँ, बैंक के अलार्म को जब मैंने चेक किया और उनके वहाँ के प्रबंधन से पूछा तो उनका ये कहना था कि साहब इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये कभी भी बज जाता है, इसलिए हमने इसको ऑफ कर रखा है। और कुछ समय पहले तक पुलिस ने वहाँ पर पुलिस ने मदद करके इनको एक गार्ड अरेंज किया था, जो गार्ड अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, हमने फिर से इनको कहा कि आप गार्ड और ये अलार्म सिस्टम सही कराएं, और अगर अलार्म सिस्टम वहाँ बजता तो कहीं ना कहीं जो है इतनी भी वो चीज़ नहीं कर पाते। हमारा पुलिस का गश्ती दल रात को 1 बजे वहाँ गया है, मतलब 1 बजे तक वहाँ कोई घटना नहीं हुई है, और उसके बाद 4 बजे मैं स्वयं जो है बामोर से चेकिंग करते हुए जब यहाँ से लौटा तो मैं गुडर में हुटर बजाते हुए निकला हूँ, तो जिस तरीके से वहाँ सामान छूटा पड़ा है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने पुलिस के हुटर को सुन के उन्होंने सारा सामान छोड़ के वो भाग के निकल गए। उन्होंने कुछ तार काटे हैं ये सोच करके काटे हैं कि संभवतः ये DVR के हों, लेकिन अभी प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि DVR और कैमरों के कनेक्शन के जो वायर है वो कटे नहीं थे, जो मैंने प्राथमिक रूप से देखा है। अभी हम DVR लेकर के आए हैं, DVR से उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छे क्लू मिलेंगे। साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि परसों दतिया में एक घटना हुई है, उसमें भी एक ज्वेलर के ताले जो है गैस कटर से काटे गए हैं, 4 की संख्या में करीब वो लड़के थे। इसी तरीके से उन्होंने पहले जो CCTV कैमरा है उस कैमरे को जो है चिपकी लगा के वहाँ बंद किया, और सबसे पहले घुसते ही उन्होंने वहाँ भी DVR और कैमरे के कनेक्शन काटे हैं। तो वहाँ के TI साहब से भी मेरी बात हो गई है, कुछ फुटेजेस उन्होंने दिए हैं, और हम उनसे भी वहाँ के भी PSTN डेटा को देखेंगे, यहाँ का PSTN डेटा के लिए हमने जो है कॉल कर ली है,
यहाँ का PSTN डेटा भी लेंगे और सबसे टैली करेंगे, इवन करेरा में जो घटना हुई है उससे भी टैली करेंगे। निश्चित है कुछ ना कुछ अच्छा क्लू मिलेगा और हम इस घटना को खुलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।